हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं हूं सर ऑस्कर, आपका ऑस्कर लमगुरु। और आज का टॉपिक है कि अगर आप मूव ऑन करना चाहते हो, अपने पार्टनर की यादों से निकलना चाहते हो, उसको एकदम भूलना चाहते हो, तो कान खोलकर सुन लो। यही टॉपिक है, कान खोलकर सुन लो। ठीक है, अगर आप मूव ऑन होना चाहते हो, अब कान खोलकर सुन लो। जिस तरह मैं बोला, ये मत सोचना कि डांट रहा है मेरे को, हम लोग को डांट रहा है या कुछ सुना रहा है। मैं सुना नहीं रहा हूँ, आप लोग तो यार सब्सक्राइबर हो मेरे, मैं कौन होता हूँ आप लोग को डांटने वाला। ठीक है, कान खोलकर सुन लो इसलिए बोल रहा हूँ ताकि इस बात में दम लगे, ताकि और अच्छे से आप समझो जो मैं बातें बताऊंगा इस वीडियो में। ठीक है, कान खोलकर सुन लो मतलब जो मैं बातें बताऊं उसको एकदम सुनकर अपने जहन में बसा लेना। ठीक है, रिक्वेस्ट करूंगा पूरा वीडियो देखिएगा। एक और रिक्वेस्ट, एकदम 1000 टारगेट रखा हूं, लाइक हो जाना चाहिए। एक एक इंसान देख रहा हूं, एकदम लाइक ठोक दो भाई। ठीक है, एकदम लाइक भाई, एकदम पटक दो, लाइक का बटन दिख ही रहा होगा। शेयर भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यार देखो, मेरे को समझ में नहीं आता है कि जब आपको पता चल जाता है कि ये पार्टनर अब घटिया है, ठीक है, पहले कभी प्यार था वो अलग बात है, ये पार्टनर अब घटिया है, या मेरे को नचा रहा है, या तड़पा रहा है, या टॉक्सिक हो गया, या लॉयल नहीं लग रहा है, ये इधर उधर भाई मुंह मारता है, सब चीज आपको जब पता चल जाता है, तो फिर भी क्यों नहीं मूव ऑन कर पाते हो? मतलब किस चीज का वेट करते हो कि वो पार्टनर सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा उस टाइप का पार्टनर। बहुत लोग हैं जो मूव ऑन होना चाहते हैं, लेकिन वही कंट्रोलिंग पावर होता नहीं है। तो अगर आपका कंट्रोलिंग पावर नहीं है, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, बार बार पार्टनर का ख्याल आ रहा है, बार बार उसको स्टॉक कर रहे हो या कॉल कर रहे हो, तो भाई ये कमजोरी है, इस चीज को अपनाओ। और आपको मूव ऑन सिर्फ आप ही खुद को कर सकते हो भाई, कोई मजदूर नहीं आने वाला है मूव ऑन करने। आपको कोई मूव ऑन भाई, आपको कोई मूव ऑन नहीं करेगा, आपको खुद ही करना होगा। आप लोग ये वेट मत करो कि एक दिन चमत्कार हो जाएगा कि मैं अचानक उसको अपनी यादों से निकाल दूंगा, ऐसे नहीं होता है। ये पूरा एक प्रोसेस होता है। आप अगर इस वक्त अपने एक्स पार्टनर के बारे में, या वो पार्टनर जो मतलब ब्रेकअप भी नहीं किया लेकिन आपसे बात ही नहीं कर रहा है, तो उससे भी मूव ऑन हो ही जाना चाहिए। मान लो कि वैसे पार्टनर के बारे में आप अभी 90% सोचते हो, सोच के डिस्टर्ब होते हो, तो एक महीने के बाद हो सकता है आप 60% तक ही सोचो, क्योंकि एक महीने में आप थोड़ा मूव ऑन हो गए, फिर और स्ट्रांग हो गए और मोटिवेटेड हो गए, तो 60% से 30% पे आ जाओगे, फिर एक बार 30% से 10% पे आओगे, फिर 10% से 0% पे आओगे, फिर कंप्लीटली मूव ऑन हो जाओगे। ये एक प्रोसेस होता है, ये एक दिन का चीज नहीं है। ठीक है कि कल रात को पूरा 10 कॉल मारे, मिस कॉल मारे अपने पार्टनर को, वो उठाया नहीं, तो अब मूव ऑन करने का सोच रहे हो, वो अगर उठा देता तो मूव ऑन करने का नहीं सोचते, तो ये भी तो एक तरह का दोगलापनी है कि कभी पार्टनर चाहिए फिर सोचते हैं मूव ऑन हो जाए, फिर पार्टनर चाहिए फिर मूव ऑन हो जाए। एक एक संकल्प लेना होगा, एक चीज सोचो, आर या पार आप खुद ही कंफ्यूज हो, क्या पार्टनर मिलेगा आपको या क्या मूव ऑन करोगे, आप खुद में ही एक फैसला नहीं ले पा रहे हो। अगर मूव ऑन होना चाहते हो, सबसे पहले एक फैसला लीजिए, मूव ऑन करना है या नहीं करना है। अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो भटकते रहोगे भाई। मूव ऑन आपको खुद करना होगा, ये आपका विल पावर होगा, तभी हो पाएगा। अब आपके दिमाग में चिपकी है वो लड़की या वो लड़का, आपके दिमाग में चिपका है, अब आप भूल नहीं पा रहे हो। प्रैक्टिस करो ना डेली, खुद को मोटिवेट करो कि क्या भाई फालतू का चीज कर रहे हो भाई, क्या मतलब उसके बारे में सोच रहे हो, इतना इंपॉर्टेंट है क्या वो, इस दुनिया में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। खुद को भाई ये बोल बोल के मोटिवेट करो। आप अगर सोच रहे हो ना कि फलना चौक पे जाके चार मजदूर, दिहाड़ी मजदूर पकड़ लाऊंगा, जो ईटा गिट्टी बालू उठाते हैं, उनको मैं बोलूंगा ये दिहाड़ी मजदूर लोग, डेली 500 रुपया दूंगा, मेरे को मूव ऑन कराओ, ऐसे कोई मजदूर आपको मूव ऑन नहीं कराएगा। कोई मजदूर और कोई ठेकेदार इधर काम नहीं करता है। मतलब आपको मतलब खुद मूव ऑन करना है, इधर कोई मजदूर नहीं चाहिए, आपको खुद भाई मजदूर बनना होगा। अगर आप सोच रहे हो ना कि कुछ ऐसा मैं एक दिन मोटिवेशनल वीडियो देख लूंगा जो मैं अचानक मूव ऑन हो जाऊंगा, अचानक कुछ नहीं होता है। अभी सोचोगे मूव ऑन होने का तो कुछ दिन लगेगा, बहुत सालों का प्यार है तो कुछ महीने लगेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, ठीक है देखना, उनकी उनका बेवकूफ पना देखना, वो एक बार ठाने की चलो आज मैं मूव ऑन, अब से मैं मूव ऑन हो जाऊंगा। ठीक, अब आज एकदम जोश में, मान लो पूरा दिन कॉल मैसेज नहीं किए, अगले सुबह उठते ही फिर पूरा बकी आने लगा, पूरा पैनिक अटैक आने लगा, कर दिए कॉल, बताओ हो गया। मतलब आप अपने जुबान के ही पक्के नहीं रहे, आप अपना जुबान पे ही नहीं टिक पाए। क्या उम्मीद करोगे अपने वो घटिया पार्टनर के जुबान का, जो कभी बोलता था मैं तुमसे शादी करूंगा करूंगी। जब आप खुद के ही जुबान पे नहीं ठहर पाए, आप अपने पार्टनर से क्या उम्मीद करते हो? आप पहले खुद के तो सगे रहो। आप खुद के सगे हो ही नहीं, आप खुद बोले,
खुद से ही बोले कि मैं मूव ऑन करूंगा, सेल्फ ग्रो करूंगा, अपना हेल्थ पे फोकस करूंगा, डिप्रेशन से निकलूंगा, फ्रस्ट्रेशन से निकलूंगा, एंग्जाइटी से निकलूंगा, ठीक है, उसके बारे में नहीं सोचूंगा। आप अपने हेल्थ के लिए आप सोचे, दो तीन दिन में फिर आपका हालत खराब, फिर से वही घटिया पार्टनर का सोचने लगे, तो भाई आप खुद के ही तो सगे नहीं रहे, आप खुद का नुकसान कर रहे हो, तो क्या उम्मीद कर रहे हो दूसरे इंसान से, मतलब अपने घटिया पार्टनर से, कि वो आपके बेनिफिट के लिए सोचे। आप खुद का बेनिफिट नहीं कर रहे हो, सामने वाला क्यों आपका करेगा, समझिए। मूव नहीं कर पा रहे हो, कमजोर हो आप, कमजोर हो। एक संकल्प पहले लीजिए, एक फैसला लीजिए, आखिरी फाइनल डिसीजन आपको लेना होगा, मूव ऑन करना है कि नहीं, आप समझ रहे हो। मन में वो चीज जब आ जाएगा ना कि नहीं अब साला मूव ऑन करना है, उस समय कर लोगे। लेकिन बहुत लोग बोलेंगे अब नहीं सर, काफी बार आया कि मैं मूव ऑन कर लूंगा, मूव ऑन कर लूंगा, लेकिन नहीं हो पाया। आपको लग रहा है कि मैं सोचा था कि एकदम मूव ऑन कर लूंगा, वो दिल से नहीं आया था भाई, ठीक है, वो दिल से नहीं आया, वो कंफ्यूजिंग माइंड से आया था, इसलिए अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाए। एक अंदर से जब आ जाएगा ना कि आप घटिया पार्टनर को मैं घंटा नहीं पूछूंगा, भाई उसी दिन आप मूव ऑन हो जाओगे, जाएगी रिलेशनशिप आपने खुद बनाया था, आप समझ रहे हो। तो भाई जब ब्रेकअप हो गया, जब आप खुद घुसे थे, तो निकलेगा कौन भाई, आप रिलेशनशिप में खुद घुसे तो निकलना भी तो आप ही को है। आप किसी दरवाजे में एंट्री लिए, अब एग्जिट के लिए आप चार मजदूर का वेट कर रहे हो, ऐसे नहीं होता है भाई। आप प्यार किए खुद के मर्जी से है? और मूव ऑन हो रहे हो भगवान के भरोसे, ऐसे नहीं होता है। मूव ऑन होना चाह रहे हो भगवान के भरोसे कि भगवान जी मूव ऑन करा देंगे, आपको खुद करना होगा। ये आपने सुना होगा, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, भगवान आपके साथ है लेकिन आप खुद के तो साथ रहो है? लेटे पड़े रहते हो भाई है? उसका फोटो देख रहे हो डेली, उसका फोटो देख रहे हो, क्या घंटा मूव ऑन करोगे? यही कहना चाह रहा था, कान खोल के सुन लो कि कोई मजदूर आपको मूव ऑन नहीं कराएगा, आपको खुद करना होगा। हाँ, हम लोग के जैसे काउंसलर कर सकते हैं, मैं कई लोग को मूव ऑन कराया हूँ, ठीक है, वो कई लोग काउंसलिंग लिए है तो उसमें तो खैर पैसा लगता है, समझ रहे हो, मैं तो भाई ऐसे बात नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन मेरी कई वीडियोज है फ्री में, आप लोग देख सकते हो, या यूट्यूब पे इतने सारे वीडियोज हैं, ठीक है, देखिए वो फ्री में है, उसमें पैसे कहाँ लग रहा है। मेरे से काउंसलिंग लोगे तो भाई पैसा तो लगेगा भाई, ठीक है, ऑस्कर लगू ठीक है, इतना टाइम मेरे पास होता नहीं है। लेकिन भाई काउंसलिंग की भी जरूरत नहीं है, अगर आप में दम है ना, ठीक है, तो मेरे से क्या, किसी से काउंसलिंग लेने की जरूरत नहीं है। अगर आपका मन स्ट्रांग है कि साला मैं फाड़ दूंगा, मूव ऑन कैसे नहीं हो पाऊंगा, ये घटिया लड़की मेरे को डिस्टर्ब करेगी, ये घटिया लड़का मेरे को डिस्टर्ब करेगा, मैं बचपन से पढ़ा लिखा साला किस लिए, इसका पिछवाड़ा चाटने के लिए, इस टाइप का अगर जुनून आपके अंदर आ गया, कर लोगे मूव ऑन। बहुत लोग हैं जो, कई क्लाइंट्स हैं, कई सब्सक्राइबर हैं, मेरे को क्या बोलता है, सर नहीं हो पा रहा हूँ, मूव ऑन हो ही नहीं पा रहा हूँ। अरे एक बार ठानो तो क्या है, याद से ही तो निकालना है। यहाँ कैटरीना कैफ नहीं मिली सलमान को, यहाँ ऐश्वर्या राय नहीं मिली सलमान को, यहाँ अरबाज खान डिवोर्सी है, यहाँ हार्दिक पांडे भाई डिवोर्सी है, इन लोग को भी मूव ऑन होना पड़ा। अमेजोन का मालिक जेफ ब्रोस वो डिवोर्सी है, अच्छो अच्छो को प्यार नहीं मिला भाई। ऐसा नहीं ऐसे कि गरीब या मिडिल क्लास वालों को ब्रेकअप हो रहा है, यहाँ अमीर अमीर लोग जिसके पास अक्खच पैसा है, धन दौलत है, एक सेकंड में चाहे सारा क्या नहीं खरीद लें, उन लोग को प्यार नहीं मिला, इन लोग भी डिप्रेशन में जाते हैं लेकिन मूव ऑन हो जाते हैं, समझिए बात को। आप लोग पता नहीं किस चीज का वेट कर रहे हो कि साला यार मेरा पार्टनर आएगा, नहीं सॉरी मैं कोई मजदूर मैं हायर करता हूँ यार, या कोई मोटिवेशनल स्पीकर ये देखता हूँ साला किसका वीडियो देख लू, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है। हाँ, नॉलेज वॉलेज सीखने उखने के लिए या थोड़ा मोटिवेशनल पर्पज से हम लोग का वीडियो देख सकते हो, जो भी लव टिप्स या लव गुरु है, ठीक है, उन लोग का वीडियो देख सकते हो। लेकिन अल्टीमेटली आपको ही अपना विल पावर डेवलप करना होगा, कोई जादू नहीं होने वाला है, कोई चमत्कार नहीं होने वाला है, आप खुद से चमत्कार करना होगा। बहुत लोग क्या सोचते हैं कि अभी यार मैं अपनी बंदी के बारे में या बंदे के बारे में सोच सोच के डिस्टर्ब हो रहा हूँ या हो रही हूँ, यार अभी सोचने में मजा आ रहा है, डिस्टर्ब होने में मजा आ रहा है, वो तड़पा रही है, मैं तड़प रहा हूँ, यार अब ये काम करता हूँ, नो कॉन्टेक्ट कर लेता हूँ। हाँ देखो, नो कॉन्टेक्ट रूल है, रूल अच्छा है, लेकिन जब मूव ऑन का फैसला ले लिए फिर नो कॉन्टेक्ट रूल का क्यों सोच रहे हो? या तो नो कॉन्टेक्ट करो, नहीं तो मूव ऑन करो, ठीक है। तो बहुत लोग क्या सोचते हैं कि यार अभी अभी ना बंदी का या वेट कर लेता हूँ या बंदे का वेट कर लेता हूँ, बाकी देखा जाएगा, मूव ऑन कोई कर दे, मूव ऑन जब होने का होगा कर लूंगा, ऐसे नहीं होता है, आपको करना होगा मूव ऑन। हवा में मत छोड़ो कोई मूव ऑन करा देगा मुझे, इस तरह डिस्टर्ब रहते रहोगे भाई, मेंटल हेल्थ का मतलब MCBC हो जाएगा आपका, समझ रहे हो। इतना इतना डिस्टर्ब अभी से हो जाओगे ना भाई, आगे सोचो कितना डिस्टर्ब रहोगे। कितने कितने मेरे क्लाइंट हैं, सब्सक्राइबर भी, पिल्स खाते हैं, डिप्रेशन में है, कोई 3 साल से दवाई खा रहा है, क्योंकि कभी वो अपने पार्टनर के बारे में इतना पागल थे ना भाई, ये पूरा दिमाग खराब हो गया। कितने लोग पागल हो चुके हैं,
साइकोलॉजिस्ट छोड़ो, साइकेट्रिस्ट का जरूरत पड़ जाता है कुछ लोगों को, मेडिकेशन लेना होता है, नॉर्मली टॉकिंग थेरेपी से नहीं होता है, नहीं हो जाता है, कुछ लोग को एकदम दवाई पे आ जाना पड़ता है। सोचो, इसलिए अभी वक्त है, जितना जल्दी मूव ऑन हो सकते हो जाओ भाई, नहीं तो दवाई खाने का नौबत आ जाएगा। कितने लोग हैं अपने बंदे के बारे में, बंदी के बारे में सोच सोच के स्ट्रेस में शुगर करवा लिए हैं, कुछ लोग का बीपी बढ़ गया, कुछ लोग को थायराइड का प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, थायराइड में सूख जाते हैं, कुछ दो तरह का थायराइड होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म और एक हाइपरथायरॉयडिज्म, ठीक है, अब कुछ लोग सूख जाते हैं, कुछ लोग मोटा जाते हैं थायराइड में, आप समझ रहे हो क्या कर रहे हो यार आप? लोगों से बात करो, मम्मी पापा से हेल्प लो, ठीक है, घूमो फिरो, कैरियर पे फोकस करो, अच्छा खाना खाओ, एक्सरसाइज करो, बस यही सबसे मूव ऑन हो गया। अब बाकी ऑस्कर लवगुरु है मेरे से, अगर कॉल बुकिंग के थ्रू बात करना चाहते हो करो, समझ रहे हो, पैसा तो लगता ही है भाई, अच्छे चीज के लिए पैसे लगते हैं, लगा देना चाहिए, समझ रहे हो। इधर जो 500,000 का लोग पिज्जा खा खा के साला अपना जो वो हेल्थ खराब कर रहे हैं, उससे अच्छा है कि किसी काउंसलर से आप लोग काउंसलिंग लीजिए, मैं नहीं तो कोई और, लेकिन अपना मेंटल हेल्थ को अच्छा रखिए। अभी भी वक्त है, जल्दी मूव ऑन हो जाओ, नहीं तो भाई ये दिमाग खराब होने में टाइम नहीं लगता है, पागल हो जाओगे एक टाइम, ठीक है। तो इसलिए बोला मैंने कि कान खोल कर सुन लो, अगर मूव ऑन होना चाहते हो तो। बातें थोड़ी मेरी चुभी होगी, कड़वी बात मेरी होती है, लेकिन आपके एकदम दिल तक जाती है, एकदम दिल भले ही आपका चुभे लेकिन जिंदगी चौपट नहीं होगा, आपके बेनिफिट के लिए मैं बोलता हूँ, ठीक है भाई। तो ये वीडियो यहीं तक रखता हूँ, उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, पसंद आए तो एकदम लाइक मारिए भाई, एकदम लाइक मारना ही चाहिए, नहीं पसंद आने की बात नहीं है, लाइक मारिए, ठीक है, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर, गुड बाय, मुझे चाहो तो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हो, चलिए बाय।